बहुत ही तेज बारिश था अभी। यहाँ पे हो रखा है शाम का टाइम, तो मैं 4:30 बजे उठी थी। उस टाइम पे काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी। फिर मैं उठी और उठ के चाय वाय पी। फिर उसके बाद मैंने गैस पे बैंगन रख दिए थे भुनने के लिए। बैंगन बनाऊंगी, बैंगन का भरता बनाऊंगी। तो मैंने कहा तब तक इन्हें भून लेती हूँ। और मम्मी उधर बैठ के अपने फ़ोन में पिक्चर देख रही थी और काफ़ी तेज़ बाहर बारिश आ रही थी। तो यहाँ पे बैंगन भुनने स्टार्ट हो गए थे। थोड़ा तो टाइम लगता है, एक तरफ रख दो तो जल जाते हैं, बीच में चेंज करने पड़ते हैं, घुमाते रहना पड़ता है। तो मैंने बीच में कट लगा दिए थे देखने के लिए कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। यहाँ पे बैंगन अच्छे से भुन चुके थे और मैंने उसका छिलका भी उतार दिया था। और फिर इसको बाद में मैश कर लेंगे किसी गिलास की सहायता से। और अभी फिर मैं यहाँ पे छौंक रही थी दाल, तो यहाँ पे मैंने सारा छौंक काट लिया था। और एक तरफ रख ली थी कढ़ाई, बैंगन का भरता बनाऊंगी, और एक तरफ रख ली थी रख लिया था भगोना दाल छौंकने के लिए। तो दाल में उबाल चुकी थी और यहाँ पे दोनों चीज़ साथ साथ ही कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं छौंक रही थी दाल, और आज मैं भी वही सोवर कर रही हूँ। इस टाइम पर भी बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, बारिश ने तो बड़ा बुरा हाल करके रखा है। और यहाँ पर लगा देते हैं हम दाल में भी तड़का और साथ साथ बैंगन का भरता भी बना लेते हैं। और जिस टाइम में खाना बना रही थी उस टाइम भी काफ़ी तेज़ बारिश आ रखी थी। तो यहाँ पे मैंने दाल में प्याज टमाटर डाल दिए हैं। अब मसाले और डाल देती हूँ, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची, ये सब। और टमाटर को अच्छे से पकने देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर इसके बाद डाल देंगे इसमें दाल। कई लोग दाल को साथ ही छौंक देते हैं कुकर में बनाते हुए, मैं कभी भी नहीं छौंकती, मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा बाद में ही छौंक लगाती हूँ, पहले उबालने के बाद। कई लोग छौंक देते हैं कि जल्दी भी हो जाता है, और पर मेरे को नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, मैं कभी भी नहीं छौंकती उस तरीके से। और उधर रख रखी है मैंने कढ़ाई, तो उसमें भी मैंने प्याज व्याज डाल दिए। दाल हमारी छौंक के तैयार हो गई है, तो मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया है। और दाल को रख देते हैं ढक के, दाल हो गई है बन के तैयार। और अब बना लेते हैं अपना बैंगन का भरता। तो उधर मैंने बैंगन का भरता छौंकने लग रही हूँ, बीच में मेरा फ़ोन आ गया था तो पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, बीच में वीडियो रुक गया था। तो यहाँ पे बैंगन के भरते में मैंने सारी चीज़ें डाल दी, मतलब छौंक के तैयार हो गया है। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल देते हैं ऊपर से। और वैसे ही बैंगन का भरता भी हमारा हो गया है बन के तैयार। कई दिन बाद बनाया था तो बहुत टेस्टी भी बना था, और अब दोबारा बनाऊँगी तो हो सकता है, क्या पता ऐसा ना बने। तो यहाँ पे दाल भी तैयार होगी और बैंगन का भरता भी तैयार हो गया। अब कर लेते हैं अपना कोई और काम। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, आप लाइक करना भूल जाते हो। तो मैंने अच्छे से मेथी को इसमें मिक्स कर दिया है, और अभी काफ़ी तेज यहाँ पे भरता बन के हो गया है तैयार। पे मैंने गेहूँ का आटा होगा ये करीब 1.5 किलो से भी ज़्यादा होगा, ये मीठा आटा गूंद लिया है। चीनी भिगा रखी थी मैंने कल से, और ये मीठा आटा गूंद लिया है, सुहाली बनाऊंगी मैं इसमें। और ये है मैदा, इसमें मैंने नमक डाल लिया, अजवाइन डाल लिया, रिफाइंड डाल लिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ, और ये हल्का सा निवाया पानी करके लेके आई हूँ। फिर ये मैदा का आटा लगाऊंगी, तो अभी मैं आटा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगी, क्योंकि हाथ गंदे हो जाएंगे, ट्राईपॉड लगाऊंगी नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर आटा गूंद के उसके बाद का दिखाऊंगी। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले हाथ से मावन को, फिर उसके बाद पानी डालूँगी। यहाँ पे मैदा भी गूंद लिया है मैंने, और अभी इसे ढक के रख देती हूँ। तब तक उसकी पेड़ी बनाऊँगी, तो काफ़ी देर तो इन्हीं में लग जाएगी। ये तो करीब 2 किलो आटा होगा, क्योंकि 1 किलो मैदा है, तो मैदा तो बहुत कम दिख रहा है उसके आगे। ये तो बगैर तुला हुआ है, लेकिन ये आधी आधी किलो के 2 पैकेट थे, तो ये 1 किलो मैदा है, तो मैदा तो उसके आगे बहुत कम दिख रही है। अब मैं इन्हें ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर बनाएंगे। पे सुवाली बनानी शुरू कर दी हमने, और एक बार ये बना भी चुकी हूँ, तो बहुत अच्छी बन रही है। अभी गर्म हो रही है, खाई नहीं है। और मम्मी उधर पेड़ी बना रही बैठ के, मैं तल रही हूँ।
मम्मी बना बना के दे रही है, फिर मैं यहाँ खड़े होकर निकाल रही हूँ, क्योंकि निकालने में भी बहुत देर लगेगी। आज आटा ज़्यादा उस दिन कम था, तो अभी बना लेते हैं। वाली हमारी बन चुकी और अभी आ गई मटर की बारी, तो अभी बना रही हूँ मैं मटर, और मम्मी बेल के और काट रही हैं वहीं पे बैठ के, और मैं तल रही हूँ। सुवाली बन गई, ये बिली हुई रखी है मटरें कटी हुई, और ये डाल रखी है सुवाली, मैं अभी दिखा रही हूँ आपको बनी हुई। दूध भी आ गया और गैस पर रख दिया, और 12:15 हो गए हैं, और मैं 10 बजे से भी पहले लगी थी आटा गूंदने, 9:30 बजे आटा गूंदने लगी थी। देखो कितना टाइम लग गया, अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखो सुहाली बन गई, बहुत सारी बन गई हैं, और उस दिन से भी ज़्यादा टेस्टी बनी है आज वाली। और ये जो उस दिन की बची हुई है वो रखी हुई है, और ये कुछ मटर बन चुकी हैं, कुछ अभी और बन रही हैं, तो मैं इसमें निकाल रही हूँ, जैसे थोड़ी सी प्लेट में निकाल के फिर इसमें डाल देती हूँ पेपर लगा के। और ये बन चुकी हैं, और अब उन्हें और देख लेते हैं जो कढ़ाई में डल रही है। और अभी खाना बनाया नहीं है, भूख भी लगी हुई है, थोड़ी सी और रह रही है मटर, फिर उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ पे खाना पीना भी हो गया था हमारा, और मटर और सुवाली भी बन चुकी थी, तो बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर लिए थे। अब स्लेब साफ़ करूँगी और सारे बर्तन साफ़ करूँगी, तो पूरा सिंक भर गया है बाहर तक, और इधर भी रखे होंगे कुछ। और मैंने ये मटर बन के तैयार होगी, देखो यहाँ अंदर रखी हुई है, मैंने पेपर लगा के इसमें रखी हुई है, और एक उसमें सुवाली रख रखी है, ठंडी हो जाएंगी फिर बाद में डाल दूंगी। तो इधर सुवाली रखी हुई है, और ये मम्मी लेके आई थी राशन का सामान है, नमकीन बिस्किट है, तो वही सब इसमें अभी कट्टे में रखा हुआ है, निकाला नहीं है। तो बस अभी कर लेते हैं बर्तन साफ। तो यहाँ पे हमारी सुवाली भी बन चुकी, और मटर भी, खाना पीना भी हो गया, बर्तन वर्तन भी साफ़ हो गए, सारा काम हो गया। संजीव भी आ चुका है स्कूल से, और आप सोच रहे होंगे कि रोज़ रोज़ क्यों बना रही है सुवाली, तो आगे आपको पता लग जाएगा वीडियो में कि किस लिए बनाई थी। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, और जो चैनल पर न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।